गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया था। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है उस पर बेस्ड क्वेश्चन किए थे। जब हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट की थी तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि हमारे पास तीन टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन है। कौन कौन सी थी? बाइनोमियल, पॉइसन और नॉर्मल। उसमें जो बाइनोमियल और पॉइसन थी वो दोनों क्या थी? डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वहाँ पे आर की वैल्यू 0, 1, 2, 3। अब हम नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे आज, दैट इज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये आपकी क्या है? कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टर्म्स इंटरवल्स में आती हैं, मतलब लोअर लिमिट होगी और अपर लिमिट होगी। अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेट टू बी अ सेट टू हैव अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा स्केयर। अगर अकेला सिग्मा हो तो इसको स्टैंडर्ड डेविएशन कह देते हैं, सिग्मा का स्केयर है तो ये क्या है आपका? वेरियंस। मतलब जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपकी दो टर्म पे डिपेंड करती है, किस पे? म्यू पे और सिग्मा स्केयर पे। तो अगर हम इन दोनों फंक्शन को लेके चलें तो हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या बनेगी? 1/σ अंडर रूट 2π एक्सपोनेंशियल -1/2 एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्केयर। क्योंकि यहाँ पे तीन फंक्शन है, एक्स पैरामीटर जो है एक्स, म्यू और सिग्मा, तो हमने यहाँ पे तीनों लिख दिए। अब ये एक्सपोनेंशियल है, इट मीन्स ये ई की पावर में है। जब मैंने अभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट की तो मैंने वहाँ पे क्या बोला? इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस का मतलब इसकी जो वैल्यू है, एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है? -∞ to ∞। तो जो आपका ये मीन है, म्यू, म्यू को क्या कहते हैं हम? मीन। तो इसकी वैल्यू भी, और सिग्मा आपका क्या होगा? हमेशा ग्रेटर देन 0। तो ये इसका एक मेन फॉर्मूला है, किसका? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। क्लियर? अब यहाँ पे सिग्मा स्केयर मैंने अंदर लिखा, यहाँ पे बाहर लिखा, दोनों में कुछ फर्क नहीं है। अगर मैं अलग अलग करूँ तो स्केयर से रूट कैंसिल हो जाएगा और सिग्मा बाहर आ जाएगा। इसमें एक टर्म और है हमारे पास, दैट इज स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, फॉर्मूला तो हमारा यही रहेगा उसमें। मतलब टर्म हमारी यही है, ठीक है। जब स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? म्यू की वैल्यू क्या हो लेती है? 0, और सिग्मा क्या ले लेते हैं हम? 1। तो जब ये कंडीशन बन जाए तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट क्या आ जाएगा आपका? -x² अच्छा यहाँ पे 2 है तो ये 2 आएगा, x² / 2। पर जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं तो यहाँ पे कई बार f(z) ले लेते हैं, तो x की जगह z है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा फिर आपका? z। तो ये कंडीशन किसकी है? स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट की। ज़्यादा नहीं है, आपको जैसे 2 मार्क्स में आ जाता है राइट द कंडीशन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट या स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो वहाँ पे टर्म यही रहेगी, म्यू की वैल्यू क्या ली हमने? 0, सिग्मा क्या लिया? 1। अप्लाई करने के बाद जो टर्म बनती है ये क्या है आपका? स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। क्लियर यहाँ तक? अभी हम इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, किसकी? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, सबसे पहले प्रॉपर्टी तो वही आ जाएगी। जब मैंने स्टार्ट किया था ऊपर तो मैंने क्या कहा था? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपकी? कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विद प्रोबेबिलिटी फंक्शन, वही टर्म। तो एक्स की वैल्यू क्या है? -∞ to ∞। सेकेंड प्रॉपर्टी है, द टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज यूनिटी। मतलब जितना भी एरिया हम निकालेंगे किसका? नॉर्मल कर्व का, वो हमेशा किसके इक्वल आएगा? 1 के। क्लियर? तो यहाँ पे भी टोटल एरिया पूछा है, एरिया का मतलब फिर हमने इंटीग्रेशन किया, लिमिट -∞ to ∞ f(x) dx = 1। हम ये प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी प्रूफ भी करेंगे। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी, द नॉर्मल कर्व इज बेल शेप्ड एंड सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन। जो कर्व की शेप है ये क्या है आपकी? बेल शेप। तो यहाँ पे क्या है? x =
म्यू, क्लियर। तो इस तरफ सारी वैल्यू पॉजिटिव, इस तरफ सारी वैल्यू नेगेटिव, तो ये क्या है आपकी सेंटर लाइन। तो नॉर्मल कर्व की अगर आपसे कोई पूछ ले शेप क्या होती है, तो इसकी शेप क्या है, बेल शेप्ड ऐसे। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी फोर्थ, एफ 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 सिंस एफ ऑफ एक्स बीइंग द प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। अगर हम प्रोबेबिलिटी में लें तो ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती, और इसका कोई भी पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे लाए नहीं करेगा। अब सीधी सी बात है, जब नीचे की तरफ अगर हम वैल्यू लेते वो नेगेटिव होती हैं, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, एक्स एक्सिस इज द सिम्प्टोट टू द कर्व दैट इज नॉर्मल कर्व कम क्लोजर टू एक्स एक्सिस बट नेवर मीट्स इट। मतलब लाइन जो है वो उसके क्लोजर आती रहेगी पर उससे मीट नहीं करेगी। सिक्स प्रॉपर्टी क्या है, ऑल द ऑड ऑर्डर्ड सेंट्रल मोमेंट, वर्ड है ऑड। हमें पता है हमारे पास दो टाइप के नंबर होते हैं अगर नंबर में बात करें, इवन नंबर और ऑड नंबर। तो यहाँ पे कह रहे हैं ऑड ऑर्डर्ड नंबर का जो सेंट्रल मोमेंट है वो हमेशा क्या होगा, ज़ीरो। इन कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी पड़ेगी, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो ऐसे बनेंगे वहाँ पे। ऑल द इवन ऑर्डर्ड सेंट्रल मोमेंट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर ये। अगर आपके पास इवन पूछा जाए, इवन में मतलब 2n, तो वहाँ पे टर्म आपकी ये रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड आर कॉन्साइड। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन और मोड की वैल्यू हमेशा क्या होगी, वैल्यू। कई बार मान लो जैसे आपको वो टर्म दे दे कोई भी, आपको कहे फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड, और उसके बाद ये पूछे मैं बताओ ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा अगर मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड है, तीनों की वैल्यू इक्वल है, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपकी, नॉर्मल। उसके बाद नाइन्थ प्रॉपर्टी है, मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू ये। जैसे मान लो वो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दे देता है 2 मार्क्स में, आपको कहता है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन, तो वहाँ पे तो हम ये सोचेंगे पता नहीं क्या चीज़ आ गई। तो इसका फॉर्मूला इसके इक्वल है, तो सिग्मा की वैल्यू आप यहाँ अप्लाई करो तो वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, मीन डेविएशन अबाउट मीन की, क्लियर। तो इस वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, हमने क्या पढ़ा आज, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्लियर। अगर आपको कोई डाउट हो तो या तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं या मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।